नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आजकल हम देख रहे हैं इस पूरी पृथ्वी पर, इस विश्व में हमें अशांतता नजर आ रही है। लोग अशांतता से अपना जीवन जी रहे हैं, व्यतीत कर रहे हैं। छोटी छोटी बात के लिए एक दूसरे के साथ झगड़ते हैं, अमानवीयता से एक दूसरे के साथ व्यवहार करते हैं। आज कोरोना जैसी महामारी ने हमें अशांत बनाया है, बेचैन कर दिया है। एक ओर पाकिस्तान हमला कर रहा है, दूसरी ओर चीन हमला कर रहा है, हमले की तैयारी रख रहा है। कोरोना जैसी महामारी का बड़ा संकट अपने भारत देश पर आया है, इस विश्व पर आया है। यानी इसकी वजह से लोग क्या हो गए हैं, अशांत हो गए हैं, बेचैन हो गए हैं। सभी ओर दुख फैला हुआ है। तो देखिए, ये जो आज का हमारा पद्य है, जागो है जागो, इस पद्य के जो कवि हैं राजेंद्र रघुवंशी, वे क्या संदेश देना चाहते हैं, वे किसको संदेश देना चाहते हैं? वे उन लोगों को संदेश देना चाहते हैं जो इस विश्व में शांतता निर्माण करना चाहते हैं, शांतता को फैलाना चाहते हैं। उन लोगों को वे संदेश दे रहे हैं कि आप आपका कार्य शुरू रखो, जारी रखो। देखो तो हम पद्य को अभी देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पद्य को पढ़ता हूं, देखिए। देखो, सुखी धरती के आंचल से उठती आज पुकार, सुखी धरती के आंचल से उठती आज पुकार, जागो हे जागो, जागो जागो, जागो सोई हुई बहारों, जागो सोई हुई बहारों, जागो जनता के फनकारों। तुमको आज अमन के राही ताक रहा संसार, जागो हे जागो, जागो जागो रे। बदल रहे हैं धरती अंबर, बदल रहे हैं धरती अंबर, चांद सितारे बदल रहे, बदले नदियां राह, समुंदर आज किनारे बदल रहे। भाषा बदली जीवन की, भाषा बदली जीवन की, भगवान हमारे बदल रहे, पर सदियों की जंजीरों में जकड़ा है इंसान, है कितना अनजान, जागो हे जागो, जागो जागो रे। आगे देखो, लहरे सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती, लहरे सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती, आज गगन के छोर छू रही मन में आस उमगती, प्रीति भरे जीवन में नफरत की ज्वाला अब दबती, धरती करवट लेती बरसे मंगल वरदान, जागो सोए अभिमान जागो। युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखे उसकी नजर झुकेगी, युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखे उसकी नजर झुकेगी, उथल पुथल दानवता की मानवता सह न सकेगी, उथल पुथल दानवता की मानवता सह न सकेगी, बुद्ध प्रबुद्ध बन जगती का कलुषित नष्ट करेगी, बुद्ध प्रबुद्ध बन जगती का कलुषित नष्ट करेगी, हर शोषण से मुक्त धरा पर होगा नवनिर्माण, जागो नई मधुर मुस्कान, जागो जागो हे जागो, जागो जागो रे। देखो, राजेंद्र रघुवंशी जी ने इस पद्य के माध्यम से इस विश्व में जो शांति निर्माण करना चाहते हैं, सभी लोगों को शांतता से रहने का संदेश जो लोग देना चाहते हैं, उनको यहां पर संदेश दिया है। किसने? रघुवंशी जी ने। क्या संदेश दिया है? कि आप आपका काम जारी रखो, आप आपका काम जारी रखो, अब सब कुछ आसान हो गया है आपके लिए, अब लोग आपकी बात मानेंगे, आपके साथ मिलजुल कर वे भी शांतता प्रस्थापित करने के लिए आपका सहयोग देंगे, इसलिए जागो, अब सब कुछ बदल रहा है, इसलिए नए विचार
अपने मन में लाकर आपके प्रयास जारी रखो। किसके लिए? शांतता के लिए, इस विश्व में शांतता प्रस्थापित करने के लिए। सुखी धरती के अंचल से उठती आज पुकार। धरती, धरती सुखी धरती कहां है? धरती को सुखी धरती क्यों कहा है? वो तड़प रही है किसके लिए? शांतता के लिए। किसके लिए? शांतता के लिए। क्यों? क्योंकि आजकल देखा जाए तो हर एक इंसान एक दूसरे के साथ अमानवीयता से व्यवहार कर रहा है, सभी ओर अशांति फैली हुई है, छोटी छोटी बातों के लिए झगड़ रहा है। इसलिए यहां पर कवि ने ये जो धरती है, ये जो विश्व है, ये जो संसार है, इसे सूखा संसार, सूखी धरती कहा गया है। देखो, सूखी धरती के आंचल से ये प्यासी है, धरती प्यासी हुई है किसके लिए? शांतता के लिए। किसके लिए? शांतता के लिए। हाँ? देखो, सूखी धरती के आंचल से उठती आज पुकार, जागो हे जागो, जागो जागो। धरती की चारों ओर से पुकार सुनाई दे रही है कि जागो, अब जागृत हो जाओ, तो मिलजुल कर रहो, प्रेम भाव से रहो। देखो आगे, जागो सोई हुई बहारो, जागो जनता के फनकारो, तुमको आज अमन के राही ताक रहा संसार। देखो यहां पर कलाकारों को जागृत होने के लिए कवि ने कहा है जागो। हाँ? जागो सोई हुई बहारो, जागो जनता के फनकारो, तुमको आज कौन पुकार रहा है? संसार पुकार रहा है, संसार, ये विश्व, ये धरती आपको पुकार रही है। हाँ? हे शांति चाहने वालों, हे शांति के मार्ग पर चलने वालों, हे शांति के मार्ग पर चलने वालों, अब जागृत हो जाओ। हाँ? तुम्हें कौन ताक रहा है? संसार ताक रहा है। हाँ? ये धरती ताक रही है, ये विश्व आपको पुकार रहा है, अब जागृत हो जाओ और शांतता के लिए आगे बढ़ते रहो। देखो, जागो सोई हुई बहारो, जागो जनता के फनकारो, जनता के कलाकारो, अब जाग जाओ, तुमको आज अमन के राही ताक रहा संसार। तुमको आज अमन के राही, अमन के राही, अमन यानी शांति और राही यानी यात्री। हे शांति के यात्रियों, तुम्हें आज संसार ताक रहा है, पुकार रहा है, किसके लिए? शांतता निर्माण करने के लिए। हा? देखो कवि क्या बोल रहा है आगे, बदल रहे हैं धरती अंबर, अब धरती और अंबर भी बदल रहे हैं। ये धरती बदल रही है या नहीं? हा? कुछ वर्ष पहले अगर हमने धरती को देखा तो धरती का रूप अलग था, और अगर आज इस धरती पर हम देखें तो धरती का रूप अलग है। नए नए आविष्कारों ने इस धरती का जो रूप है वह बदल दिया है। हा या ना? देखो, बदल रहे हैं धरती अंबर, चांद सितारे बदल रहे हैं, बदले नदियां राह, समुंदर आज किनारे बदल रहे हैं। भाषा बदली जीवन की, भगवान हमारे बदल रहे हैं, पर सदियों की जंजीरों में जकड़ा है इंसान, है कितना अनजान, जागो हे जागो। यहां पर कवि बोल रहा है कि धरती बदल रही है, अंबर बदल रहा है, चांद सितारे बदल रहे हैं, नदियां अपना राह बदल रही हैं। नदियां खुद राह बदल रही है क्या? नहीं, उसे बदला जा रहा है। कौन बदल रहा है? इंसान बदल रहा है। नदियों का राह कौन बदल रहा है? इंसान बदल रहा है। समुंदर भी अपने किनारे बदल रहे हैं, सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ बदल रहा है। तो हे शांति के दूत, आप कहां हैं? आप भी जागृत हो जाओ और लोगों के मन में नए विचार निर्माण करके उन्हें भी आपके साथ लेकर शांति के पथ पर चलते रहो। देखो, बदल रहे हैं धरती अंबर, चांद सितारे बदल रहे हैं, बदले नदियां राह, समुंदर आज बदल रहे हैं। भाषा बदली जीवन की, भगवान हमारे बदल रहे हैं। जीवन की परिभाषा ही बदल गई है, जीवन की परिभाषा।
नई परिभाषा निर्माण हुई है, लोग नए विचारों को लेकर आगे आगे जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। हे शांति निर्माण करने वालों, आप किधर हैं? आप भी उनके साथ मिलकर नए विचारों को क्या करो, आगे बढ़ाते रहो। हर एक के मन में नए विचार निर्माण करो और शांति फैलाने में सहयोग दे दो, शांति के लिए आगे बढ़ते रहो। देखो, भाषा बदली जीवन की, भगवान हमारे बदल रहे हैं, पर सदियों की जंजीरों में जकड़ा है इंसान, है कितना अनजान, जागो हे जागो। देखो, सदियों यानी शताब्दियों, सदियों यानी सदियों शताब्दियों, हाँ? देखो, सब कुछ बदल रहा है, जीवन की परिभाषा बदली है, हमारे भगवान भी बदल रहे हैं। तो ये जो सदियों में जकड़ा हुआ है इंसान, यानी पूर्व जमाने से जो चलती हुई आई जो परंपराएं हैं, उन परंपराओं में इंसान जकड़ा हुआ है, उस इंसान को हमें क्या करना है, उसमें से बाहर निकालना है, उसमें से बाहर निकालना है और उसके अंदर नए विचारों का निर्माण करना है, उसके अंदर नए विचारों का निर्माण करना है और शांति के पथ पर हमें उसे भी लेकर जाना है। हे शांति निर्माण करने वालों, अब आपके लिए आसान हुआ है, क्योंकि लोगों के मन में नए नए विचार आ रहे हैं, इसलिए अब आपको आसान होगा। आप क्या करते रहो, आपके प्रयास जारी रखो। किसके लिए? शांतता के लिए, शांतता प्रस्थापित करने के लिए। देखो, ये जो इंसान है, ये इंसान रूढ़ियों के बंधन में जकड़ा हुआ है, उसे उसमें से बाहर निकालने का प्रयास करो। हाँ? देखो आगे, देखो, लहरें सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती, लहरें सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती, आज गगन के छोर छू रही, मन में आस उमगती। देखो, सागर की जो लहरें रहती हैं, हाँ, वो हर बार नई लहर रहती है, नई लहर, और वो हमें क्या संदेश देती है कि हमें क्या करना है, उन लहरों जैसे ऊंचा उड़ना है, ऊपर जाना है। आज लोग गगन को यानी आसमान को छूने की आस अपने मन में रखते हैं, यानी नए विचार लोगों के मन में आ रहे हैं, आए हैं। तो हे शांति चाहने वालों, अब आपके लिए आसान हुआ है, अब आप उठो, जागो, जागृत हो जाओ और शांतता के लिए आगे बढ़ते रहो। देखो, लहरें सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती, आज गगन के छोर छू रही, मन में आस उमगती। ऊंचे उड़ने की आस हर एक के मन में अब निर्माण होती है, यानी सबसे ऊपर जाना। हा? आज गगन के छोर छू रही, मन में आस उमगती, प्रीति भरे जीवन में नफरत की ज्वाला अब धपती। देखो, अगर आपने नए विचारों को अपनाया, अगर आपने ऊंचे जा ऊपर जाने की बात आपके मन में अगर ले ली, तो जरूर आपका क्या है, विकास है, विकास हो जाएगा। हाँ, और अगर आप एक दूसरे के साथ प्यार से बर्ताव करने लगे, मानवतावादी दृष्टिकोण अगर आपने आपके अंदर रखा और एक दूसरे के साथ व्यवहार करने लगे, तो क्या हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह निर्माण हो जाएगा, प्यार का भाव निर्माण हो जाएगा, और उस प्यार के भाव के कारण एक दूसरे के बारे में जो नफरत हमारे अंदर होती है, वह नफरत क्या हो जाएगी, वह घृणा क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। देखो, प्रीति भरे जीवन में नफरत की ज्वाला अब दबती,
लहरें सागर के अंचल से अंगड़ाई ले उठती, आज गगन के छोर छू रही, मन में आस उमकती, प्रीति भरे जीवन में नफरत की ज्वाला अब दबती, धरती करवट लेती, बरसे मंगल वरदान। और ये सब करने के बाद इस धरती पर, इस संसार में सभी ओर सब कुछ मंगल दिखाई देगा, मंगल स्वर गूंजेंगे, सब कुछ अच्छा दिखाई देगा, सब कुछ खुशहाली से चल रहा है ऐसा दिखाई देगा। देखो, सागर से ऊपर उठती हुई लहरें हमें नए विचारों का संदेश दे रही हैं, कुछ नया करके दिखाओ, नए विचारों को अपनाओ। हाँ, आगे देखो तो राजेंद्र रघुवंशी जी क्या बोल रहे हैं, हे शांति चाहने वालों, अब जाग जाओ, जागो। हाँ, और लोगों को भी जागृत करो। देखो, युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखे उसकी नजर झुकेगी। अगर आप जाग गए, अगर आप लोगों के दिल में बस गए, अगर आपने उनको आपके साथ लेकर प्रयास जारी रखे, तो क्या होगा, युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखे उसकी नजर झुकेगी। जो लोग इस विश्व में युद्ध यानी अशांति निर्माण करना चाहते हैं, उसकी नजरें अपने आप झुक जाएगी। हाँ, वे उस ओर नहीं बढ़ेंगे जिससे अशांतता निर्माण हो। हाँ, देखो, युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखे उसकी नजर झुकेगी, उतल पुतल दानवता की मानवता सह न सकेगी। अमानवीय कृत्यों को मानवता सह न सकेगी। कुछ लोग युद्ध करना चाहते हैं, अशांतता फैलाना चाहते हैं, उन लोगों की बात बिल्कुल नहीं चलेगी। कब, जब आप जाग जाएंगे तब, जब आप एक साथ आएंगे तब, जब आप मानवता को अपना कर एक दूसरे के साथ प्यार से रहेंगे तब। देखो, युद्ध क्रुद्ध आंखों से देखे उसकी नजर झुकेगी, उतल पुतल दानवता की मानवता सह न सकेगी। बुद्ध प्रबुद्ध बन जगती का कलुषित नष्ट करेगी। इससे क्या हो जाएगा, हाँ? सब लोग विवेकशील हो जाएंगे। क्या हो, कैसे हो जाएंगे, विवेकशील। हाँ? और विवेकशील होने के कारण जगती का कलुषित नष्ट हो जाएगा। इस पृथ्वी पर, इस संसार पर जो दुख फैला हुआ है, जो अपवित्रता निर्माण हुई है, वह अपवित्रता क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, चली जाएगी। कब, जब आप एक साथ आएंगे तब, जब आप एक दूसरे के साथ प्यार से रहने लगोगे तब। देखो, बुद्ध प्रबुद्ध बन जगती का कलुषित नष्ट करेगी, हर शोषण से मुक्त धरा पर होगा नवनिर्माण। और अगर आप विवेकशील बनकर इस पृथ्वी का जो दुख है, इस पृथ्वी पर फैला हुआ जो दुख है, जो अपवित्रता फैली हुई है, उसे अगर आपने नष्ट किया तो क्या हो जाएगा, इस पृथ्वी पर हरेक का जो शोषण हो रहा है, हरेक मार्ग से जो शोषण हो रहा है, वह क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। और फिर एक बार इस धरती पर क्या होने लगेगा, नव निर्माण होने लगेगा, कुछ तो नया दिखने लगेगा। हाँ, बुद्ध प्रबुद्ध बन धरती का कलुषित नष्ट करेगी, हर शोषण से मुक्त धरा पर होगा नवनिर्माण। जागो नई मुस्कान, जागो जागो। इस पद्य के माध्यम से दोस्तों कवि क्या संदेश देना चाहता है हमें, कि समस्त प्राणियों के जीवन में जो अशांतता निर्माण हुई है, उसे नष्ट करने के लिए
आगे बढ़ो, सुख शांत सुख सुख और शांति निर्माण करने के लिए आगे बढ़ो। अशांतता निर्माण करने करना चाहते हैं उन लोगों को सबक सिखाकर सही रास्ते पर लेकर आओ। हाँ, तो यहाँ पर आज का ये जो हमारा पद्य है, राजेंद्र रघुवंशी जी ने लिखा हुआ पद्य जागो हे जागो, यह पद्य यहाँ पर समाप्त हो गया है। धन्यवाद।